त्योहार साइंस फिक्शन मूवी के अंदर ऐसे कूल होलोग्राम सीन देखने को मिल जाएगा, चाहे हॉलीवुड ने बनाया या इंडिया का कोई मूवी। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाया आयरन मैन को देख के, वो भी दो पार्ट में। To introduce myself, I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Systems are now fully operational. Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Systems are now fully operational. वीडियो शूट करने के लिए ऐसे ग्रीन स्क्रीन को पीछे फिट करना और साइड में दो लाइट चाहिए, एक लाइट ग्रीन स्क्रीन और बॉडी और एक लाइट बॉडी पे पड़ना चाहिए। और एक्टिंग को तुम कैसे भी कर सकते हो, और जिसके पास ग्रीन स्क्रीन और लाइट नहीं है, सिंपली कहीं पे भी ऐसे हाथ को कोई भी मूव करते हुए रिकॉर्डिंग कर लेना। तो एडिटिंग के वक्त कुछ प्रॉब्लम आए, इनमें से एक ग्रीन स्क्रीन रिमूव। ग्रीन स्क्रीन कैपकट पे अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा था, इसलिए फास्ट इनशॉट ऐप को यूज़ करने पड़े। इनशॉट ऐप को ओपन करके वीडियो न्यू और फोटो के अंदर बैकग्राउंड फ़ोटो को इंपोर्ट करो, टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना, फिर PIP से अपने रिकॉर्डिंग वीडियो को इंपोर्ट करके अच्छे से फिट कर लेना स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्रोमा से बैकग्राउंड के ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ग्रीन को रिमूव करना है। फिर आया सेकंड प्रॉब्लम, ग्रीन कलर को अच्छे से रिमूव करने से टेबल का कुछ पार्ट गायब हो गया। तो टेबल को ठीक करने से पहले ये पार्ट को हटाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर लिया। अभी भी कुछ पार्ट रह गया, उसको रिमूव करने के लिए मास्किंग के अंदर सर्कल से एक्स्ट्रा पार्ट को हटाया। तो बैकग्राउंड से ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव हो गया, फिर भी बॉडी में ग्रीन कलर के रिफ्लेक्शन रह गया। इसे हटाने के लिए फिल्टर एडजस्ट के अंदर HSL से ग्रीन के सैचुरेशन को जीरो करना है। तो टेबल को वापस लाने के लिए वीडियो को प्ले करके एक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर स्क्रीनशॉट को PNG कर लेना, फिर PIP से PNG फोटो को इंपोर्ट करके प्रॉपर तरीके से फिट किया। टाइमलाइन को इंक्रीज और बॉडी को हटाने के लिए मास्किंग को यूज़ किया। नेक्स्ट फिल्टर से टेबल के लाइट और कलर को थोड़ा बहुत चेंज करके वीडियो को सेव कर लिया। जिसे तुम एडिट करना चाहते हो उसे कैपकट पे इंपोर्ट कर लेना। मैं इस वीडियो को एडिट करके दिखाऊंगा, इस एडिटिंग को देख लोगे तो इसे भी कर लोगे। वीडियो को कैपकट पे इंपोर्ट किया, बैकग्राउंड साउंड को जीरो, एंडिंग के पार्ट को डिलीट। नेक्स्ट ओवरले से इस इफेक्ट को इंपोर्ट किया, फिर स्प्लाइस से ब्लैक को हटाया, देन छोटा करके यहाँ पे फिट किया। नेक्स्ट एक की फ्रेम ऐड और साइड में एक की फ्रेम ऐड करके उसके ओपेसिटी को कम कर दिया। वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना, जिसे
की फ्रेम ऐड करने में आसानी हो। फिर हाथ के साथ इफेक्ट को छोटा छोटा स्टेप में मूव करो और ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और जिस जगह पे इफेक्ट को छोड़ोगे वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी को कम कर देना। इसके बाद ऐड ओवरले से फोटो से आयरन मैन इफेक्ट को ऐड, ब्लैक को रिमूव करके साइड में फिट किया। नेक्स्ट ऊपर के इफेक्ट में लास्ट के दो की फ्रेम के बराबर आयरन मैन में दो की फ्रेम ऐड करके फर्स्ट की में ओपेसिटी को जीरो। नेक्स्ट ओवरले से फाइल होलोग्राम को ऐड किया नीचे फिट, देन साइज को छोटा करके आयरन मैन के पास फिट। एक की फ्रेम ऐड, फिर इफेक्ट को हाथ के मूव के साथ मूव किया, देन फर्स्ट की के पास और एक की ऐड करके ओपेसिटी को कम। नेक्स्ट ऐड ओवरले से फोटो में अर्थ होलोग्राम को इंपोर्ट, इफेक्ट को नीचे करके टाइमलाइन को इंक्रीज किया। स्प्लाइज से ब्लैक को रिमूव, उसके बाद इफेक्ट का साइज को छोटा करके फाइल के अंदर फिट किया और फाइल इफेक्ट में जहाँ जहाँ की फ्रेम ऐड किया अर्थ इफेक्ट में भी सेम की फ्रेम ऐड करना और फाइल के पोजीशन के साथ अर्थ के पोजीशन को मैच कर लिया। नेक्स्ट फाइल को टच करके हाथ जिस जगह पे मूव कर रहा है वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड और फाइल को मूव। साइड में और एक की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी कम। नेक्स्ट जिस जगह पे अर्थ को हाथ से जूम करने का एक्टिंग करोगे वहाँ पे की फ्रेम ऐड करके फिर इफेक्ट के साइज को इंक्रीज कर लेना। सेम टेक्निक को फॉलो करके नेक्स्ट इफेक्ट को ऐड कर लेना और की फ्रेम और ओपेसिटी के जरिए मैं एडिटिंग को कंप्लीट किया। तो मेन पॉइंट यह है कि हाथ के साथ मूव करने के लिए की फ्रेम और इफेक्ट को कम ज़्यादा करने के लिए ओपेसिटी को यूज़ करना।
to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Systems are now fully operational.